बाकी मॉक वॉक देते रहो, ओके। एप्ट्रेक्स के मॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, सोच समझ कर बनाए गए हैं, राइट। डोंट वरी, कुछ पेपर्स कभी कभी आपको लगता होगा कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक दो सेक्शन, तो वी डू एक्सपेरिमेंट इन सम सेक्शंस इन सम पेपर्स, बिकॉज कहते हैं, देखिए मॉक का ये भी फ़ायदा होता है कि मॉक को आप हर रंग आपको एक बार दिखाए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि थ्रू आउट पेपर्स विल कीप इट वेरी बैलेंस्ड, बट इन सम पेपर्स वन और टू सेक्शंस कैन बी लिटिल चैलेंजिंग। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि मॉक आपका बिल्कुल प्लेन एक तरह का ना हो, थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस भी आप देख लो ताकि एग्जाम में आप तैयार रहो, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज़ द पर्पस, एंड अदरवाइज इट्स अ वेरी 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 बैलेंस्ड मॉक, सोच समझ के हमने बनाया है, सो दैट अगर आप ये 21 मॉक्स कर लोगे तो आपको मॉक की कमी महसूस नहीं होगी, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो जैसे पहले पेपर में इंग्लिश का लोगों ने फीडबैक दिया, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, तो वो एक्सपेरिमेंट, देखिए हम लोग जब पेपर सेट कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, राइट, इन सम पेपर्स, नॉट, जब आप पूरा 21 पेपर का सेट देखोगे देन यू विल फाइंड इट द मोस्ट रेलिवेंट मॉक टेस्ट सीरीज। एक दो पेपर में एक दो सेक्शन आपको परेशान करेंगे, ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होता रहे, सो दैट यू आर रेडी फॉर इट, ओके, क्लियर है, है ना। सब सारे टेस्ट लोगों को ओवरऑल पसंद आ रहे हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज लोग होते हैं उनको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल वैलिड है, राइट, बट अदरवाइज मोर, मतलब इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, दे आर वेरी 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 हैप्पी विद द मॉक टेस्ट पेपर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर। बाकी देखिए मॉक को कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं अभी, आप 5 मॉक टेस्ट दे दो पहले, 5 मॉक टेस्ट के बाद फिर मैं एक सेशन लूँगा आपका यूट्यूब पे ही, और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको, क्योंकि देखो एक मॉक से आप भी नहीं समझ सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट, यू नीड सम सेट ऑफ 5। जब आप 5 मॉक टेस्ट दे दोगे देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम। एक मॉक टेस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, दो में भी कुछ नहीं बोल सकते, यू गिव 5 मॉक टेस्ट, आपका डेटा भी हमारे पास आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, कौन टॉपर है, कौन नीचे आ रहा है, कौन बीच में है, सो वी विल ऑल्सो एनालाइज द डेटा एंड देन विल कम एंड लेट यू नो, राइट, कि मेरे इनपुट्स क्या हैं, अलग अलग परसेंटाइल वाले लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके कंसिस्टेंटली 5 मॉक आपने दिए, सब में परसेंटाइल खराबी आई, देन येस इट्स टाइम टू करेक्ट, नो नीड टू गेट पैनिक, जस्ट इट्स टाइम टू करेक्ट, थोड़ा सा वेट करके आपको चीज़ों को करेक्ट करना है, ठीक है। मैथ्स देखिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स ईजी है देन आर यू स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 50, दैट्स माई क्वेश्चन। सो अगर आपने 50 आउट ऑफ 50 तीनों मॉक में स्कोर किया है, यू हैव राइट टू से यस मैथ इज ईजी, बट इफ यू हैव नॉट स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन ऑल 3 मॉक्स, यू हैव नो राइट टू से, क्लियर। पेपर को आप ऐसे जज मत करो कि पेपर मुश्किल है या पेपर आसान है, जस्ट लुक एट योर रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड अगर आपको पेपर आसान लगा, कि आपने कहा मैथ आसान है, तो मैथ में तुम 50 में 50 स्कोर करो हर मॉक में, ठीक है, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड। मिस्टेक्स हमेशा हो जाती हैं, इवन इफ पेपर इज ईजी देयर इज मिस्टेक। लास्ट ईयर का प्रीलिम्स मुश्किल था क्या? नो, बट पीपल डू मेक मिस्टेक इन ईजी पेपर ऑल्सो। द आइडिया ऑफ द मॉक इज कि इट शुड बी बैलेंस्ड, जैसे एक्चुअल एग्जाम में आता है। तो अगर आप एक दो एक्सपेरिमेंट आप हटा दो जो हम करेंगे, बिकॉज दैट इज द आइडिया कि आप सरप्राइज ना हो एग्जाम में। मेरा ये बिल्कुल कहना है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, और वो भी हमारे पास मौका है आपको 21 मॉक टेस्ट दिलवाने का, तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि एक ही तरह का सारा पेपर बना के रख देंगे। वी विल जस्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्यू सेक्शंस। कभी आपको शायद मैथ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी लगे, राइट, जैसे DI में लोगों ने बोला कि 5 क्वेश्चन है, 5 कैलकुलेटिव हो रहे हैं। वी वॉन्ट इट टू हैपन। एग्जाम में आपको 3 ही कैलकुलेटिव मिले, बहुत अच्छी बात है, हम चाह रहे हैं 5 कैलकुलेटिव हो। आप थोड़ा सा तो ऊपर तैयारी करोगे ना। तो मैथ्स को डेलिबरेटली हम ऐसा रख रहे हैं कि वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स ना बना दें, कि कुछ ऐसा डाल दें जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं आएगा। बट अगेन वी आर ट्विकिंग द कैलकुलेशन अ बिट। वी वॉन्ट यू टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50। पीपल आर डूइंग इट, लोगों ने किए हैं हर टेस्ट में, ऑलमोस्ट मैथ में 50 आउट ऑफ 50 गया, एक्सेप्ट कल वाले में नहीं गया है किसी का 50, बट वो भी अभी लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है आ जाए। तो अगर मॉक्स ईजी हैं देन ट्राई टू स्कोर मार्क्स इन लेसर टाइम, ओके, क्लियर। मॉक्स हमने सोच समझ के बनाए,
ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स जो है अगर आसान है तो आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कठिन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एवरी मॉक हैज़ बीन क्रिएटेड विद ड्यू प्रोसेस एंड पुटिंग सर्टेन थॉट्स इनटू इट, ठीक है? तो आप उसको अच्छे से दीजिए, आसान है या कठिन है, आपकी रिलेटिव रैंक अच्छी होनी चाहिए, आपकी परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए। इट्स अ रिलेटिव एग्जाम, इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर, इट्स एन एग्जाम वेर इट इज अबाउट कितने लोगों के बीच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दैट्स इट इज ऑल अबाउट, राइट? गेटिंग और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्राई टू स्कोर हायर, बी इन टॉप रैंक्स, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहला जो मॉक हुआ है या दूसरा जो मॉक हुआ है, आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करो, और चूंकि 21 मॉक होने हैं, 21 मॉक्स आर देयर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जहां कमी नजर आ रही है, पैनिक नहीं होना है, कभी भी मॉक के स्कोर को देख के पैनिक नहीं होना है। मॉक आपको एक आईना दिखा रहा है, आपको इंप्रूवमेंट करना है, सो अपना आईना देख के क्या पैनिक हो जाओगे क्या? इट्स ए कॉम्पिटिशन, मेनी पीपल मे बी स्कोरिंग मोर देन यू, मेनी पीपल मे बी स्कोरिंग लेसर देन यू, इट्स ऑल अबाउट यू, वेर यू आर टूडे, कीप चेकिंग इट, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, दैट्स इट, यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? आप ये मत देखो कि कितने लोग आगे हैं तो उनके बारे में सोच के डरते रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं आज यहाँ हूँ, क्या कल मैं दो स्टेप आगे हो सकता हूँ, दो स्टेप आगे हो सकता हूँ, दिस इज द टारगेट, दैट्स द इम्प्रूवमेंट यू आर टारगेटिंग। मे बी लेट्स से कि आप डिक्रीज भी हो सकते हो थोड़ा, बट वो एक एक वन ऑफ द केस हो सकता है कि आप कभी स्कोर काफ़ी कम आ गया, हो जाता है, दिन खराब होता है, ठीक है? बट अगेन यू हैव टू ट्राई टू कि आपका एक जो नॉर्मल प्लेसमेंट है वहाँ परसेंटाइल बने रहो, एंड ट्राई टू गो अहेड एंड अहेड। आखिरी एक महीने में बहुत कुछ हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत पीछे से बहुत आगे निकल जाते हैं। सो कभी भी इसलिए परेशान नहीं होना है कि हम कहाँ खड़े हैं, अरे जहाँ हम खड़े हैं वो हमारी रियलिटी है, दैट्स माई रियलिटी, आई एम स्टैंडिंग हियर नाउ, आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू गो फर्दर, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव। जस्ट गेटिंग पैनिक, जस्ट गेटिंग परेशान कि यार मेरी कितनी कम परसेंटाइल, उसकी इतनी ज़्यादा परसेंटाइल है, ये इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है। समय कितना बचा है, जितना तुम्हारे पास है उतना ही सबके पास है, बट द क्वेश्चन इज अबाउट द एटीट्यूड जो आपके अंदर है कि यार मेरे को अभी इंप्रूव करना है, ये तो पहला मौका है, दूसरा मौका है, तीसरा, करेंगे 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 करेंगे, दैट्स द लाइफ, कीप स्ट्राइविंग फॉर इंप्रूवमेंट्स, कीप स्ट्राइविंग फॉर इंप्रूवमेंट्स। क्योंकि सिर्फ ये सोचने से कि लोग मुझसे क्यों आगे हैं, नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होगा इससे, यू हैव टू इंप्रूव। सो जस्ट कीप फाइटिंग, कीप डूइंग इट, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, परसेंटाइल चाहे तुम्हारे 20 आए, चाहे 30 आए, चाहे 35 आए, क्योंकि परेशान होने से तुम्हारी परसेंटाइल नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में बहुत परेशान लोग हैं, पूरी दुनिया परेशान है ना, फिर तो सबका एग्जाम भी क्लियर हो जाता, उससे कुछ नहीं होता है, क्लियर? जस्ट मेक श्योर कि आप इंप्रूव करते रहो। जिनकी अच्छी परसेंटाइल आ रही है उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, देर इज अ लाइन, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अब लगा अच्छी तो आ रही है, अब मौका ही नहीं देंगे, क्या जरूरत है, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो उसमें उस जोन में ही मत जाओ, ठीक है? मे बी यू आर कंफर्टेबल और आपके साथ अच्छा होगा भी, बट स्टिल कीप 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 इम्प्रूविंग। अगर आप इम्प्रूव्ड स्टेटस में हैं देन वो पोजिशन कंसॉलिडेट करो। देखो हर टेस्ट में रैंक 1 लाना पॉसिबल नहीं है, हर टेस्ट में कहते ना रैंक 2 लाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द डे, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यस, बींग इन द टॉप रेंज, दैट इज समथिंग विच यू कैन इंश्योर, राइट? तो वो उसके लिए मेहनत करो, जो नहीं है वहाँ जाने की कोशिश करो। और मैंने बोला कि प्रीलिम्स में 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, ये भी ध्यान रखना। तो जब तुम्हें मोटिवेशन की कमी नजर आए ना, तो ये बात मेरी ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होना है कम से कम, और अगर तुमने ईमानदार तैयारी करी है तो 1.5 लाख में से तुम जरूर होगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मॉक में हो सकता है आपकी रैंक थोड़ी खराब आ रही हो, क्योंकि मॉक में ऐसा तो नहीं कि 1.5 लाख बच्चे मॉक दे रहे हैं, या 10 लाख SSC का पूरा ऑडियंस है यहाँ पर, नहीं है। लेकिन हाँ, देर आर क्वालिटी पीपल गिविंग द मॉक्स, तो कॉम्पिटिशन भी है भाई, थोड़ी रैंक खराब भी हो सकती है, मॉक में नंबर कम भी हो सकते हैं। पैनिक कभी नहीं होना है, कभी नहीं होना, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है? राइट? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी समय समय पे मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा, क्योंकि आखिरी समय में ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम डेज। हेल्थ का ध्यान रखो, कई लोग एग्जाम के पहले एक दिन पहले बीमार हो जाते हैं, तो बाहर का खाना अवॉइड करो, स्पेशली जो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में, यहाँ पर
खाने का ध्यान रखो, हाइजीन का ध्यान रखो, और थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव हो जाओ, वॉक वॉक करना शुरू कर दो। रूटीन को कोशिश करो कि थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में आओ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम रात को 3 बजे नहीं होगा, ठीक है? कई लोगों की आदत है रात को 3 बजे तक पढ़ने की, 4 बजे तक पढ़ने की, रात भर जगने की, ठीक है? बट योर एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन दैट शेड्यूल। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, एग्ज़ाम होना है दिन में, ठीक है? सो अगर आपकी शेड्यूल बिगड़े हुए हैं, कोशिश करो कि शेड्यूल जो है ना सही कर लो, राइट? नॉर्मल शेड्यूल में वापस आ जाओ। सुबह थोड़ा सा धीरे धीरे, इकट्ठे तो नहीं होगा एक दिन में, बट कोशिश करो कि नॉर्मल शेड्यूल में आ जाओ। मान लिया आपका एग्ज़ाम का स्लॉट है 10 बजे, अब 10 बजे तुम्हारे एग्ज़ाम का स्लॉट है, 12 बजे तुम सो के उठते हो, तो तुम 12 बजे सो के उठते हो तो तुम्हारा दिमाग तो 12 बजे तक सोता रहेगा। दिस इज़ द बायोलॉजी, हाउ बायोलॉजी वर्क, क्लियर? तो एक पैटर्न जो होता है ना, हमारी बॉडी का भी एक पैटर्न है। सो अब 10 से 12 तुम रोज़ अगर सोते हो तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। बेटर है कि नॉर्मल शेड्यूल में आ जाओ, ठीक है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप नॉर्मल शेड्यूल में रहो, थोड़ा सा टाइम से उठो, और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको स्लॉट भी क्लियर हो जाता है ना कि किस स्लॉट में है, उस स्लॉट में फिर मॉक देना। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो कुछ मॉक्स आपको उसी स्लॉट में देना है, उसी टाइम पे देना है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम टाइम में, राइट? जैसे कई बार होता है लोग दोपहर में सोते हैं, अब उनका स्लॉट ही दोपहर वाला है, तो देन दे नीड टू ब्रेक दैट थिंग थोड़ा दिन, उस टाइम पे हाईली एक्टिव रहो आप, हाईली एक्टिव रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट योर शेड्यूल, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। रात भर जगने वाले थोड़ा शेड्यूल अपना सही करो, राइट? जिनको उठने में दिक्कत होती है बता देना, मैं मदद करूंगा। 4 बजे उठता हूँ मैं रोज, ठीक है? 4 AM एवरी डे, इवन इफ आई स्लीप लेट आई गेट अप एट 4, ठीक है? तो किसी को उठने में अगर दिक्कत हो रही है, मुझे आप चाहते हो कि मैं आपका अलार्म बन जाऊँ, कर सकता हूँ काम ये भी, ठीक है? एनीवेज सब कुछ मुझसे ही करवाओगे क्या? खुद से उठ जाओ, टाइम से पढ़ाई करो, बी हैप्पी, जस्ट डोंट लेट एनी फियर, फियर होता है, नर्वसनेस होती है, बट डोंट लेट इट ओवर राइड ऑल योर प्रिपरेशन दैट यू हैव डन। बर्बाद मत करना कुछ भी, सिर्फ प्रेशर में बर्बाद मत करना, इसलिए कि 20 दिन में, मैं बताऊँ, सबके अंदर ये ख्याल आता है कि कहीं पेपर ख़राब ना हो जाए, तुम कोई अनोखे नहीं हो, सबके अंदर ये ख्याल आता है। पर दो तरह के लोग होते हैं, एक इस ख्याल को फिर सुलझा लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, तैयारी की है मैंने, मेहनत करी है, चलो मॉक में खराब नंबर भी आ रहे हैं तब भी एग्जाम में अच्छा कर लूंगा, ठीक है? ये उनके दिमाग में भी आता है जो मॉक में अच्छा कर रहे होते हैं, राइट? मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको रात में सपने आते हैं कि मेरा एग्जाम छूट गया, ठीक है? तो दिस इज द प्रेशर दैट इज देयर, होता है कि वो सपना आता है कि एग्जाम छूट गया, और उनको लगता है वाकई में एग्जाम छूट गया है, फिर उनको 1 घंटे बाद जब होश आता है कहते हैं अरे वाह, चलो ये सपना ही था। आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो ये चीज़ है जो सबकॉन्शियस माइंड में, एक इतनी लंबी तैयारी होती है तो डर भी होता है, बट इसको कभी भी, कहते हैं ना, प्राइमरी मत होने दो, ये कभी पीक मारेगा, पीक मारेगा और कहेगा ए तुम्हारा नहीं होगा, तो वो पीक जब मारेगा ना, तो वो आपका दिन खराब नहीं करना चाहिए, आपको डिप्रेस नहीं करना चाहिए, वो पीक मारेगा उसको वापस सेकेंडरी थॉट बना दो, समझा बुझा के, खुद से बातें करके, ठीक है? कि नहीं, मेहनत करी है, अच्छा होगा, और वही पेपर तो सबके लिए आएगा, कोई अनोखा पेपर तो मेरे साथ नहीं आएगा, और 1.5 लाख लोगों का प्रीलिम्स में होना है। ये शब्द ना कान में, ना दिमाग में चलते रहना चाहिए तुम्हारे, जब भी कुछ मन खराब हो, 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, और 1.5 लाख में से तो तुम आओगे यार, ठीक है? बस थोड़ा बहुत प्री खराब भी होगा तो मैनेज कर लेंगे, मेंस में मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर कि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट मत करो प्रीलिम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स में प्रेशर लेना ही नहीं है, बहुत मजे से पेपर देना है, और मजे से पेपर करके आएंगे, जो होगा देखेंगे, राइट? जस्ट कीप दैट इन मेमोरी, मॉक इज नॉट टू डिप्रेस यू, मॉक इज जस्ट टू इंश्योर यू नो वेर यू स्टैंड, सो दैट यू कैन इंप्रूव, इवन इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग देन ऑल्सो, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, तुम हो जाओगे, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। मॉक तो बस एक जरिया है कि आप थोड़ा और बेहतर कर लो, ठीक है? सो विद दीज लाइन्स क्लोजिंग द क्लास टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।